प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य की शुरुआत होना सरकार की इच्छा शक्ति और देश में ऊर्जा क्रांति के लिए किया जा रहे उपायों का भी एक जीता जागता सबूत है, प्रतीक है। बिना बिजली संकट दूर किए बिना, व्यवस्थाओं में सुधार किए बिना, पुराने सिस्टम का अधुकरण किए इस तरह की योजना की शुरुआत नहीं की जा सकती। पुरानी ढर्रे से काम नहीं होते, पुरानी परंपराओं से नहीं हो सकता है। एक आमूलचूल परिवर्तन करके नए इशारे से चलना पड़ता है, नई दिशा नई गति पकड़नी पड़ती है। ये योजना पिछले 3 वर्षों में किए गए केंद्र सरकारों के प्रयासों की भी एक प्रतीक है। देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते जब टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आया करती थी। वो ब्रेकिंग न्यूज से तो आप परिचित हैं, उसमें आगे इतना ही लिखने की जरूरत है, भारत ब्रेकिंग न्यूज। उस समय समाचार आया करता था, कोयला घरों में, एक दिन कोयला बचा नहीं है, 2 दिन का कोयला बचा है, बिजली संकट का वो दौर था जब ग्रिड फेल हो जाया करते थे, राज्य के राज अंधेरे में डूबे जाते थे। और ये मैं कई दशक पहले की बात नहीं कर रहा, ये सब मैं कुछ ही दशक यानी पिछले दशक की बात कर रहा हूँ। पिछली सरकार में दौरान ही ये सब हुआ था। अब याद करिए कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है, और ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति के तहत नहीं, नई अप्रोच के साथ, नई नीतियों के साथ, मल्टी डायमेंशनल स्टेप उठाने से हुआ है। देश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग चरणों पर एक साथ काम किया गया। प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन की चाहे जितनी बातें कर लें, घर घर बिजली नहीं जा सकती थी। इसलिए सरकार बनने के बाद सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया। सौर ऊर्जा, पानी से बनने वाली ऊर्जा हाइड्रो, कोयले से बनने वाली बिजली और न्यूक्लियर पावर, सभी से उत्पादन बढ़ाने के लिए चौतरफा काम शुरू हुआ।